दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। खबर रीवा से है, जहां इन दिनों अपराध बेहिसाब है। सरेआम लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। मारपीट का एक ताजा मामला सामने आया है चौराहा थाना क्षेत्र के ग्राम करहिया से, जहां पर अंग्रेजी शराब दुकान के सेल्समैन के साथ चार मोटरसाइकिल सवार होकर आए पांच बदमाशों ने डंडे से जमकर मारपीट कर दी। पूरे घटनाक्रम का वीडियो पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। मारपीट का लाइव वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। यह घटना चौराहा थाना क्षेत्र के ग्राम करहिया स्थित अंग्रेजी शराब दुकान की है। शराब दुकान के सेल्समैन सुरेश पांडे 55 वर्षीय निवासी नगमा थाना जवा के साथ सोमवार की रात तकरीबन 12 बजे पांच की संख्या में मोटरसाइकिल से आए बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया। हमले में बदमाशों ने सेल्समैन पर ताबड़तोड़ डंडे से वार किया, जिसमें सेल्समैन को गंभीर चोटें आई हैं। इसी दौरान एक अन्य बदमाश ने उन पर चाकू से वार कर दिया। चाकू सेल्समैन के हाथ में लगा और वो घायल हो गए। पीड़ित सेल्समैन सुरेश पांडे ने बताया कि सोमवार के रात तकरीबन 12 बजे वो सौंच के लिए ठेके से बाहर निकले थे, तभी दो बाइक में सवार होकर आए बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और डंडे से पीटने लगे, जिसके बाद वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर ठेके के अंदर दाखिल हुए, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उनके जाने के बाद भी बदमाश नहीं माने और शराब दुकान के शटर पर डंडे चलाते हुए तोड़फोड़ करते रहे। वहीं शराब दुकान के समीप खड़ी मोटर बाइक में भी बदमाशों ने तोड़फोड़ की और अपनी मोटर बाइक में बैठकर भाग गए। पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि मामले की शिकायत पीड़ित के द्वारा थाना चौराहा में दर्ज कराई गई है। घटना का कारण अज्ञात है। आरोपियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है और तलाश सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है। रात करीब और 12:15 और 12:20 में 7 बजे के पाँच लोग पाँच से आगे आए आ रहे थे डंडा लेके, बोले मारो हमारी चीज मतलब दीवार दी है, बोले मारो तो मारना शुरू किए। उनको अंदर में भाग भागा तो फिर कंटिन्यू वो लोग धक्का मार रहे थे, डंडा पी रहे थे और ज़्यादा दूर रहे थे। उसमें कुछ लोगों को पहचाने भी हैं आप, कौन है वो लोग? मारपीट करते समय वीडियो सीसीटीवी में वो कैद हुए हैं? इसकी शिकायत आप कहाँ पे किए हैं? कौन सा थाना? क्या नाम है आपका?